Hello friends and welcome to Tech and Trade YouTube Solutions Solutions YouTube video. और आज हम लेके आए हैं STK based audio amplifier circuit board का demo. ये board 4141 STK based audio amplifier board होता है और ये बहुत powerful board होता है. आइए खोलते हैं इसे. जब आप इसे order करते हैं केवल board only board तो ये आपके पास इस तरह के एक box में पहुंचता है. ये बॉक्स है, इसके अंदर एसटीके मेन बोर्ड का मैनुअल, बोर्ड में कौन कौन से पॉइंट्स बने हैं, कहाँ कहाँ लगेंगे, वे सारे इस डिटेल के अंदर होते हैं. थोड़ी सी प्रिकॉशंस हैं, पोटेंशियोमीटर कैसे लगाना है वो है, इसको हम रखते हैं साइड में. आइए देखते हैं मेन बोर्ड. ये एसटीके बेस्ड एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड मेन बोर्ड बड़ा इस तरह की प्रोटेक्टिव फिल्म में आता है. इस बॉक्स को अब साइड रखते हैं, फोकस करते हैं इस मेन बोर्ड पर. ये बोर्ड कंप्लीटली पॉलिथीन में पैक होता है, रैप्ड होता है, ताकि मॉइस्चर से या ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. बोर्ड कंप्लीट ओपन हो गया हमारे पास में. अभी देखते हैं इसकी वायरिंग और इस बोर्ड के बारे में डिटेल्स. ये आपका 4141 एसटीके बोर्ड, इसमें यहां पर देखें एसटीके 4141 आईसी, इसको आप देख सकते हैं. ये 4141 आईसी है, ये कंप्लीट बोर्ड है. इस बोर्ड के अंदर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट ऑन बोर्ड आता है. अब हम बात करते हैं इसके बैक साइड में इसकी वायरिंग की. यहाँ देखें ये अच्छी बड़ी हीट सिंक, काफ़ी हैवी हीट सिंक लगाई जाती है क्योंकि ये आईसी गर्म बहुत ज़्यादा होती है. इसकी वायरिंग की बात करें, लेफ्ट चैनल एंड राइट चैनल, ये दोनों वायर आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वायर ज्वाइंट होते हैं इस तरह से. इसके बाद में यहाँ पर एक 5 वोल्ट का आउटपुट होता है जिसके थ्रू आप अपना म्यूजिक कार्ड, साउंड कार्ड, मॉड्यूल कार्ड चला सकते हैं. इसके बाद यहाँ देखें ये इसकी पावर सप्लाई के पॉइंट्स हैं. ये बोर्ड 24/0/24 वोल्ट्स पे चलता है डीसी. एम्पेरेज 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर के बीच में आप जो भी दे दें बहुत अच्छा है. जितनी ज़्यादा पावर आप इसको प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा पावर आउटपुट ही आपको दे पाएगा. ये 3 पॉइंट का कनेक्टर है जो साउंड इनपुट देने के लिए प्रोवाइड किया जाता है. इसके थ्रू इस बोर्ड में साउंड इनपुट जाएगा जिस इनपुट को ये बोर्ड एम्पलीफाई करेगा. नीचे आते हैं, ये वॉल्यूम के लिए पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर ड्यूअल पॉइंट होता है, इसको आप स्क्रू के थ्रू अपनी चेसी में कस सकते हैं. स्क्रू इनबिल्ट इसके साथ ही आते हैं, स्क्रूज एंड वॉशर्स आर देयर. ये बास और ट्रेबल के पोटेंशियोमीटर होते हैं, यहाँ रिवर्स साइड में लिखा भी होता है बास एंड ट्रेबल. और अगर इनमें से कोई आपको रिप्लेस करना है तो आप जो मैनुअल इसके साथ में आता है इसमें पढ़ करके कि कौन सा पॉइंट कहाँ लगना है उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्लेस या चेंज भी कर सकते हैं. आइए बातें हैं इसके कनेक्शंस की बात करें. ये बोर्ड आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, लाइक ओनली द बोर्ड, बोर्ड के साथ में ब्लूटूथ मॉड्यूल, बोर्ड के साथ में नॉर्मल मॉड्यूल, बोर्ड के साथ में कराओके, इस तरह से अलग अलग एडऑन्स को लेकर के अब हम आपको ये शो करते हैं कि ये किस तरह से कनेक्ट होगा. सबसे पहले तो ये दोनों जो स्पीकर्स के आउटपुट हैं ये मैं साइड कर देता हूँ. ये स्पीकर्स के दोनों लेफ्ट एंड राइट चैनल आप स्पीकर्स में लगा देंगे. देन बात आती है 5.5 वोल्ट्स आउटपुट. ये तीनों कंट्रोल्स हैं बोर्ड के, वॉल्यूम, बास, ट्रेबल, साउंड. ये आपको 24/0/24 में लगाने हैं. ये तीनों मैं साइड रख देता हूँ. अब आप अगर इसको ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में खरीदते हैं तो इसके साथ में आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है.
ये भी बॉक्स के अंदर निकलेगा। इस मॉड्यूल के साथ एक मैनुअल आता है, इस टाइप का एक मैनुअल आएगा इसके साथ में। इस मैनुअल में आप देखें कंपनी का नाम और नीचे छोटे अक्षरों में कंपनी की ईमेल आईडी, कस्टमर केयर नंबर, दोनों चीजें मेंशन होती हैं। कस्टमर केयर नंबर इस मेन बोर्ड पर भी मेंशन होता है, यहां पर आप देखें साइड में, ये देखें टेक एंड ट्रेड सॉल्यूशंस और बोर्ड का नाम, और यहां पर दोनों चीजें, फोन नंबर भी और ईमेल आईडी, दोनों चीजें मेंशन होती हैं। अब हम बात करते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल की। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल इस तरह का, इसके अंदर आपको यूएसबी कनेक्टिविटी मिलती है, मेमोरी कार्ड आप डायरेक्ट ला सकते हैं, ऑक्स का इनपुट मिलता है। बैक साइड में देखें एक ये एंटीना होता है एफएम रेडियो के लिए। पीछे तीन कनेक्टर होते हैं, पहला कनेक्टर 5 वोल्ट इनपुट के लिए और सेकंड कनेक्टर आपको मिलता है आउटपुट लेने के लिए। इसका कनेक्शन देखें, ये इसके साथ में रिमोट, रिमोट का डिज़ाइन वेरी हो सकता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। आइए इसको कनेक्शन देखते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट का कनेक्शन है, इसमें 5 वोल्ट आउटपुट आपको लगाना है वॉल्यूम वोल्टेज इनपुट के साथ में। ये 2 पॉइंट का कनेक्टर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, एंड देन सेकंड जो इसमें जो साउंड इनपुट का पॉइंट है ये आपको कनेक्ट करना है इस सेंट्रल पॉइंट में। एक ही साइड से कनेक्ट हो सकता है, आप गलत कनेक्ट कर नहीं सकते। ये कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से ये बोर्ड पूरा कंप्लीट है ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में। नॉर्मल मॉड्यूल अगर आप लेते हैं, नॉन ब्लूटूथ लेते हैं, वो भी कनेक्शन इसी तरह से कनेक्ट होगा और ऐसे ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और एड ऑन आता है इसका, कराओके माइक। बात करें कराओके माइक सर्किट की, जब आप कराओके माइक सर्किट के साथ में इसे खरीदते हैं तो आपके पास इस तरह से कराओके माइक सर्किट आता है। इसको खोलते हैं, इस तरह से पैक्ड होता है। कराओके माइक सर्किट कनेक्ट करने के लिए आपके पास में इस तरह का एक लीफलेट आता है जो आपको पर्टिकुलर कनेक्शंस बताता है कि कौन सा कनेक्शंस किस बोर्ड में से उठ करके कहाँ जाएगा। माइक इसके साथ हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको सेपरेटली खरीदना होता है। वो इसमें लिखा हुआ आता है कि माइक इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस मैनुअल को देख करके भी आप अपने बोर्ड के कनेक्शंस कर सकते हैं और इस वीडियो के साथ भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। इसको खोलते हैं, आप यहाँ देखिए ये पहला कनेक्शन जो है ये माइक के इनपुट के लिए होता है। आप इसके थ्रू इसमें मॉड्यूल जो आपका कार्ड है उसका इनपुट इसको प्रोवाइड करते हैं। देन ये सिलेक्शन पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। पहला कनेक्शन होता है कि जो आप मॉड्यूल के से इनपुट ले रहे हैं एफएम, ब्लूटूथ या ऑक्स के थ्रू, वो केवल आपके स्पीकर से प्ले होगा। ये जो लास्ट पॉइंट है ये आपका माइक जो आप इसमें इनपुट करेंगे, माइक के थ्रू आप जो भी बोलेंगे वो आपको स्पीकर में सुनाई देगा। और ये जो मिडिल पॉइंट है इसमें आप माइक और ब्लूटूथ ये दोनों चीजें प्ले कर सकते हैं। आप म्यूजिक मॉड्यूल में यूएसबी के थ्रू कोई गाने या साउंड ट्रैक लगा करके उसके साथ अपनी आवाज के साथ उस गाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पब्लिक अनाउंसमेंट्स करना चाहें तो वहां पर आप अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। आपकी आवाज सेंट्रल के साथ में, आपकी आवाज प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल की आवाज दोनों एक साथ प्ले होंगी स्पीकर्स में। आइए इसके कनेक्शंस देखते हैं कि कनेक्शंस कैसे होंगे। ये एक बार में एक ही दबता है, दूसरा दबाएंगे आप तो पहला वाला बाहर आ जाएगा। कनेक्शंस देखते हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल पहले हटाना पड़ेगा। इसका जो कनेक्शन है मेन बोर्ड का कनेक्शन आपको इसके थ्रू लेना पड़ेगा। यहां पर एक कनेक्टर है साइड में, आप देखेंगे रिवर्स साइड में बोर्ड के, देखिए ये यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इस बोर्ड को आपको 12 वोल्ट डीसी पावर देनी होगी। 12-0 ट्रांसफार्मर आप यूज करके इसको पावर दे सकते हैं, या फिर एक कोई 12 वोल्ट की बैटरी हो उसके थ्रू आप इसे पावर अप कर सकते हैं। इसको पावर देने के बाद में इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल से इनपुट आपको लेना होगा। ये लगेगा इसके सेंट्रल पॉइंट में, ये यहां पर लग जाएगा और इस तरह से ये पूरा का पूरा बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें ये पूरा का पूरा बोर्ड कंप्लीट है। इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा क्वेरी हो आप हमें फोन कर सकते हैं, कस्टमर केयर ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की जाती है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और इस जो आपका कराओके माइक ड्राइवर जो सर्किट है इसको चालू करने के लिए आपको 12 वोल्ट डीसी पावर चाहिए होगी। 12 वोल्ट डीसी पावर आप इसके बेस से उठा सकते हैं। यहाँ पर देखें आप तो ये 7805 रेगुलेटर आईसी लगी होती है इसके बेस में। यहाँ पर देखें जहाँ पर से ये उठा हुआ होता है एक तीसरा पॉइंट खाली होता है, इस पॉइंट पर आपको लगभग 12 वोल्ट के आसपास डीसी मिलती है। तो यहाँ पर से आप प्लस 12 वोल्ट उठा सकते हैं। ये रेड पॉइंट आपको यहाँ सोल्डर करना पड़ेगा अगर आप कोई सेपरेट पावर यूज नहीं करना चाहते, तो रेड पॉइंट आप यहाँ सोल्डर कर लीजिए। देखिए नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको,
ये जो खाली पॉइंट है ब्लैंक पॉइंट, यहां पर आपको लगभग 12 से 15 वोल्ट के आसपास डीसी मिलेगी। तो ये रेड पॉइंट आपको यहां सोल्डर करना है, ये ब्लैक ग्राउंड का पॉइंट होता है, ये आप सेंटर में सोल्डर करेंगे तो ये आपका कनेक्शन चालू हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टिल आपके पास में कोई अलग से पावर सप्लाई है देन दैट इज वेरी गुड। पहली चीज ये पावर सप्लाई की बात हो गई। सेकंड पावर सप्लाई की बात हम करते हैं। ये मेन पावर सप्लाई है, दोनों जो रेड वायर्स हैं ये 24 24 24 देने हैं आपको, ये ब्लैक वायर आपको जीरो देना है, ग्राउंड देना है। ट्रांसफार्मर के तीनों पॉइंट्स यहां कनेक्ट करने हैं। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।